अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ फार्मूला क्रीम शेयर करने जा रही हूँ। ये जो क्रीम है अर्जर वाइटनिंग क्रीम है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका रिजल्ट है। एंड इसके अलावा अगर आपकी स्किन काफ़ी डल हो रही है और आप चाहते हैं कि कम टाइम में ही आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट हो जाएगा, अगर आपकी शादी होने वाली है और आप कोई सी ऐसी वाइटनिंग क्रीम यूज़ करना चाहते हैं जिसका रिजल्ट बहुत ही बेस्ट हो, तो आज मैं जो आपके साथ क्रीम शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही अच्छी सी है, अर्जन वाइटनिंग क्रीम है। आपके स्किन पे यूज़ करने के फ्यू डेज़ में ही बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। एंड इसके अलावा वाइटनिंग क्रीम को यूज़ करके आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो इफेक्ट आता है। तो किस तरह से ये क्रीम बनाएंगे मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये जो अर्जेंट वाइटनिंग क्रीम है, इसे फार्मूला क्रीम भी कहते हैं। ज़्यादातर जो लेडीज़ होती हैं, जेंट्स होते हैं, दोनों ही फार्मूला क्रीम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो पाकिस्तान में 95% लेडीज़ ऐसी होती हैं जो वाइटनिंग क्रीम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं, इसके अलावा फार्मूला क्रीम भी यूज़ करती हैं। मगर उनका क्वेश्चन यही होता है, जब हम कोई सी भी अच्छी फार्मूला क्रीम बनाते हैं तो रिज़ल्ट तो बहुत ही अच्छा मिल जाता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो कौन सी ऐसी क्रीम है जिसका यूज़ करने से साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, विदाउट साइड इफ़ेक्ट के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा सा मिले, इंस्टेंट ग्लो भी मिले फेस पे, तो किस तरह की क्रीम है आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो आपके पास मेरा नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आपके साथ मैं अर्जेंट वाइटनिंग फार्मूला क्रीम शेयर करने जा रही हूँ। ये जो वाइटनिंग क्रीम है, इसके यूज़ करने से आपका फेस फ्यू डेज़ में ही वाइट एंड ब्राइट हो जाता है। अगर आपकी शादी वगैरह होने वाली है तो आप इस क्रीम को ट्राई करके बहुत ही ज़बरदस्त सा ग्लो इफेक्ट अपने फेस पे पा सकते हैं। वाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले मैं गोल्डन पर्ल क्रीम का यूज़ करूँगी। ये जो गोल्डन पर्ल क्रीम है अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाती है, 250 की मिल जाती है, बहुत ही अच्छी सी होती है, डिफरेंट क्रीम में यूज़ की जाती है। एंड इसके अलावा ये वर्ल्ड ऑफ लिस्ट में आती है। ये जो क्रीम है बहुत ही अच्छी सी होती है, पूरे वर्ल्ड में ये यूज़ की जा रही है। अगर आप इस गोल्डन पर्ल क्रीम को सिंगल भी यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो होता है बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है। अगर आप क्रीम्स के साथ यूज़ करते हैं तो इसका जो रिज़ल्ट है दुगना हो जाता है। फार्मूला क्रीम को यूज़ करके आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या लॉस मिलता है, तो आपके साथ मैं पहले भी इसकी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इजीली वहाँ से जाके आप वीडियो को देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्ती है। पहले जो फार्मूला क्रीम की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर कर दी तो आप लोगों का प्यार उसमें बहुत ज़्यादा मिला था, 45K उसमें क्रॉस हो चुके हैं, तो बहुत खुशी होती है अगर आप लोग मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गोल्डन पर्ल क्रीम जो है मैंने हाफ ली है, उसके बाद राइस ब्यूटी क्रीम आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी क्वांटिटी ले रही हूँ, यानी वर्थ फॉर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई सी भी वाइटनिंग क्रीम जब बनाते हैं, फार्मूला क्रीम बनाते हैं, तो इस तरह से मिक्सचर मिक्स करके फार्मूला क्रीम बनाई जाती है, आप अपने फेस के हिसाब से बनाएंगे। सो ये जो क्रीम है बहुत ही अच्छी सी होती है, आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं देती। अगर आप इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आपकी स्किन को इसकी आदत पड़ जाती है। कोई सी भी फार्मूला क्रीम होती है तो ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई केमिकल ना हो। उसके बाद मैं अरीना गोल्ड ले रही हूँ, आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी हाफ से कम है, लेकिन मैं जो ले रही हूँ सारी ही ले लूँगी। सो इस तरह से जब भी कोई फार्मूला क्रीम बनाई जाती है, इतनी सारी क्रीम मिक्स करके जब बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाती है। अगर आप एक क्रीम यूज़ करते हैं तो आपको 10 डेज़ में रिज़ल्ट मिलता है, मगर जब डिफरेंट क्रीम यूज़ करते हैं तो मिक्सर काफ़ी फास्ट हो जाता है। जब इतनी ज़्यादा क्रीमें मिक्स करके फेस पे एप्लीकेशन करते हैं तो रिज़ल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त सा मिलता है, फ्यू डेज़ में ही मिल जाता है, लेकिन आपके फेस को फिर नुकसान भी होते हैं। एंड उसके बाद बायोकॉस ब्यूटी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। ये जो क्रीम है आप देख सकते हैं काफ़ी सॉफ्टी होती है, अगर आप इसको सिंगल भी यूज़ करते हैं तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही ऑसम है। अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आप सिंगल भी ट्राई कर सकते हैं। बायोकॉस क्रीम का जो मैंने यूज़ किया है, अगर आपका स्मॉल स्पून है तो आप 1 स्पून यूज़ करेंगे। उसके बाद स्टील मिल भी मैंने 1 स्पून यूज़ की है। स्टील मिल्स जो मैंने यूज़ की है रेड वाली की है, फ्रेकल क्रीम जो होती है इसमें ग्रीन कलर की भी आती है, मैंने ग्रीन वाली यूज़ नहीं की। एंड उसके बाद मैं बेटनोवेट एन क्रीम यूज़ कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये ट्यूब फॉर्म पे होती है, ये काफ़ी अच्छी होती है, आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह होते हैं, दाने वगैरह होते हैं तो अच्छी तरह से रिमूव कर देती है। बट अगर आप इसका यूज़ ज़्यादा दिन करते हैं तो आपकी क्रीम को इसके यूज़ करने के बाद काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ता है। बेटनोवेट एन है, आपने देखा थोड़ी सी क्वांटिटी मैंने ली है। उसके बाद मैं क्लोबोवेट जो ले रही हूँ, ये भी इतनी ही क्वांटिटी मैं लूँगी, इतनी ज़्यादा हैवी क्वांटिटी आपको नहीं लेनी। अगर इस ट्यूब्स की क्वांटिटी आप बढ़ा देते हैं तो आपके फेस में बाद में काफ़ी ज़्यादा झाइयों के निशानात वगैरह आ जाते हैं। सो जिस तरह से वाइटनिंग क्रीम आपकी स्किन को प्रॉपर फ्यू डेज़ में वाइट एंड ब्राइट कर देती है, अगर आप इसका गलत यूज़ करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी क्रीम्स की यूज़ कर लेते हैं तो आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं। सो सारी क्रीम्स लेने के बाद अब मैं फेस सीरम इसमें डालूंगी।
फेस सीरम ने जो यूज़ कर रही हूँ ये वाइटनिंग सीरम होता है, बायोकॉस का मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा सा होता है, इसके यूज़ करने से आपकी स्किन काफ़ी ग्लोई हो जाती है, बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाती है। अगर आपके फेस पे स्पॉट्स वगैरह है तो अच्छी तरह से हाइड हो जाते हैं। ये फेस सीरम जो होता है मिल्की फॉर्म पे होता है, आप देख सकते हैं। इसके फ्यू ड्रॉप्स इसमें मैं डाल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा होल्ड कर लिया है, उसके बाद में फ्यू ड्रॉप डाल रही हूँ। यानी कि आपको 4 से 5 ड्रॉप ही यूज़ करना है। अगर आप ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा वाइट तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद आपके फेस पर काफ़ी ज़्यादा झाइयाँ भी आ सकती हैं। क्योंकि ये जो फेस सीरम होते हैं, जिस तरह से क्रीम आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइट करती है, तो ये वाइटनिंग सीरम जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा गर्म होते हैं, हीट की वजह से आपकी स्किन जल भी सकती है। बट अगर आप इसका यूज़ प्रॉपर तरीके से करेंगे तो आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता, आपकी स्किन वाइट एंड ब्राइट हो जाती है और बहुत ही अच्छा सा ग्लोई इफेक्ट आता है। सो एक एग्जांपल आपके साथ मैं शेयर कर देती हूँ। देखें, अगर आप दिन में 2 रोटियाँ खाते हैं और आपको अगर 10 रोटियाँ खिलाई जाए तो आपके पेट में दर्द भी होगा, काफ़ी ज़्यादा आपको इश्यूज़ होंगे, आपके पेट में प्रॉब्लम होगी, आपके सर में भी दर्द होगा, आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से क्रीम का भी प्रोसेस होता है। अगर आप अपने फेस के हिसाब से यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आप अपनी बॉडी के हिसाब से खाना खाते हैं, तो आपको कोई भी इशू नहीं होता, आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलता है, आपकी बॉडी फिट पाट रहती है। अगर आप ओवर यूज़ कर लेते हैं, यानी ओवर डोज लेते हैं, इसी तरह क्रीम का भी ओवर यूज़ करते हैं, जैसे कि जो क्वान्टिटी मैंने आपके साथ शेयर की है, आप इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, तो आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके फेस पर झाइयाँ आ सकती है। तो जब भी फार्मूला क्रीम बनाएं तो आप अपने फेस के हिसाब से बनाया करें, क्वांटिटी का ख्याल रखा करें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी हो जाती है, कम क्वांटिटी हो जाती है, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जस्ट लाइक अगर आपने कोई सी कुकिंग की है, उस पर नमक की मिकदार ज़्यादा कर दी है तो आप खा नहीं सकेंगे। अगर आपकी क्वांटिटी नमक की मिकदार बहुत ही कम होगी तो भी आप खा नहीं पाएंगे, तो आपको क्वांटिटी बिल्कुल बराबर रखनी है। और इसके अलावा जिसको शुगर होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसके हिसाब से ही कुकिंग की जाती है। तो इसी तरह से अगर आपके फेस पर काफ़ी ड्राई है या रफली है, तो उसके हिसाब से ही आप क्रीम बनाएंगे। मार्केट में डिफरेंट टाइप की क्रीम्स आती हैं, अगर आप उसका ओवर यूज़ करते हैं, यानी कि अगर आपकी स्किन पर कोई भी क्रीम सूट नहीं कर रही तो आप यूज़ ना करें, अगर सूट कर जाती है तो फिर ऐसी क्रीम यूज़ किया करें। सो ज़्यादातर लेडीज़ के साथ मैंने यही इशू देखा है, जो क्रीम उन्हें सूट नहीं करती तो उसको उनको रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे कि आपकी 2 सिस्टर्स हैं, एक को क्रीम सूट कर जाती है, एक को नहीं करती। सो इसी तरह फार्मूला क्रीम जो होती है, किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती। अगर आपको सूट करती है तो आप ज़रूर ट्राई करें, अगर सूट नहीं करती तो फिर ना ट्राई करें, क्योंकि इसके जिस तरह साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसी तरह आपको इसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन रिजल्ट्स जब भी मिलेंगे जब आप इसका प्रॉपर यूज़ करेंगे, अच्छी तरह से यूज़ करेंगे। सो आपने देखा, एक कंटेनर मैंने फुल कर लिया है, उसके बाद हाफ कंटेनर और मेरे पास क्रीम बाकी है, तो मैं इसको भी फिल कर लूँगी। सो गर्ल्स, आपकी रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा यही आती है कि इसकी एप्लीकेशन किस तरह से करनी है। आप देख सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ईजी है, आप फेस पे इस तरह से लगाएंगे, बिल्कुल प्रेशर आपको फेस पे नहीं देना, बिल्कुल स्लो फिंगर की हेल्प से इस तरह से फेस पे लगा लेंगे। उसके बाद फिर आप छोड़ देंगे। जब भी कोई सी वाइटनिंग क्रीम यूज़ किया करें तो सबसे पहले अपना फेस अच्छी तरह से वॉश कर लिया करें, उसके बाद कोई भी क्रीम लगाया करें। एंड जब भी फेस पे वाइटनिंग क्रीम या फार्मूला क्रीम, इमरजेंसी क्रीम कोई सी भी यूज़ करें, तो फेस पे लगाने के बाद आप हीट पे नहीं जाएंगे, यानी कि अगर आप यूज़ करते हैं इवनिंग में तो आप बाहर ना निकलें। एंड ज़्यादातर मसला लेडीज़ के साथ या जेंट्स के साथ, जो गर्ल्स हैं बॉयज़ हैं, दोनों ही इसको यूज़ करना पसंद करते हैं। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो कोशिश किया करें कि नाइट पर यूज़ करें। नाइट पर भी जब आप बेड पर जाने लगे, उससे पहले आप ये क्रीम यूज़ करेंगे, अदरवाइज क्रीम ना यूज़ करें। क्योंकि अगर आपने फेस पे क्रीम लगा ली है और फिर आप किचन पे जाते हैं या चाय वगैरह बनाने जाते हैं, तो इस तरह से आपके फेस पे हीट पड़ती है, जिसकी वजह से आपके फेस पे काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो ये जो अर्जेंट वाइटनिंग क्रीम है, बहुत ही ज़बरदस्ती होती है, इसके रिज़ल्ट काफ़ी बेस्ट मिलते हैं, सिर्फ इसका यूज़ आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से करना होता है। एंड इसके अलावा इसकी जो फ्रेगनेंस होती है, बहुत ही ज़बरदस्ती इसकी फ्रेगनेंस होती है, क्योंकि इतनी सारी क्रीम जब मिलके बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट भी होता है, फ्रेगनेंस भी अच्छी आती है। क्योंकि ज़्यादातर जो मैरिड गर्ल्स होती हैं, उनके साथ यही इशू होता है, अगर आप कोई ऐसी क्रीम लगाते हैं जिससे फ्रेगनेंस अच्छी ना आए तो हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा इशू होता है, वो कहते हैं फेस पे क्या एप्लीकेशन आपने कर ली है। तो फेस पे कोई सी भी क्रीम लगाएं तो इस तरह की लगाएं जिसकी फ्रेगनेंस भी अच्छी हो, रिजल्ट भी अच्छा मिले और साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। सो ईवर ये जो क्रीम है, फार्मूला क्रीम, अर्जेंट क्रीम, बहुत ही ज़बरदस्त सी है, आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको भी इसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त सा मिलेगा। इस क्रीम को यूज़ करके आपको क्या रिज़ल्ट मिलते हैं, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।